नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और होने भी चाहिए। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोदक रेसिपी। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, और कोई ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं शेयर किया है मैंने, क्योंकि वही वीडियो जो है 7-8 मिनट की बन गई थी, तो मैंने सोचा बस आज के दिन वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और तो अभी चलते हैं किचन में और आप देख लीजिए मोदक रेसिपी। और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं एक चीज आपको बता दूँ, जो चीजें मेरे पास अवेलेबल थी घर पे, उन्हीं से ही जो है मैंने मोदक बनाए हैं। और कोई नारियल का बूरा मेरे पास नहीं था, इस तरह का जो नारियल था वही था मेरे पास। तो जो जैसे मैंने ये छिला हुआ है ना, थोड़ा सा इस तरह से मैंने ये बाहर का पूरा जो है छिल के फिर उसको जो है छोटे वाले कद्दूकस में कर लिया, मतलब ग्रेट कर लिया, छोटी वाली साइड से जो सबसे बारीक साइड होती है उस साइड में ग्रेट कर लिया। और जो है उसके साथ मैंने डाले हैं बादाम, उनको भी मैंने जो है क्रश कर लिया है। तो चलिए अभी बनाना हम उसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले आप देखिए, ये जो मैंने नारियल है इसको कर लिया है ग्रेट बिल्कुल बारीक। और अभी हम क्या करेंगे, कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है और गैस को कर दिया है ऑन। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी, बिल्कुल हल्का सा घी हमें इसमें डालना है। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे ये नारियल का जो हमने लिया बुरादा लिया है उसको, मतलब जो ग्रेड किया है उसको। तो बस इसको जो है हमें थोड़ी देर जो है अच्छी तरह से इस घी में भून लेना है। और साथ में जो मैंने बादाम क्रश किए थे वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो अभी हमें इनको जो है थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम में जो है पका लेना है। बस थोड़ी ही देर के लिए हम इसको पकाएंगे, जो इसमें मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने ये दूसरा नारियल लिया है ना, तो इसमें जो है ऑयल सा होता है वो, मतलब अच्छे से जो है ये सूखा सा हो जाए थोड़ी देर के लिए। उतनी देर के लिए हमें इसको जो है इसमें घी में पका लेना है। तो बस यहाँ पे इसको जो है अभी थोड़ी देर चलाते हुए हो गए हैं, थोड़ी देर में और चलाऊंगी। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे बने थे मोदक। तो मैंने जो ये घर में मेरे पास नारियल का वो पड़ा था, इसी से ही मैंने जो है इस बार ट्राई कर लिए। और यहाँ पे मैंने डाला है इलायची पाउडर थोड़ा सा खुशबू के लिए, उसकी जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। कोई भी चीज़ आप बनाते हो और हरी इलायची पाउडर आप उसमें डाल देते हो, स्वीट डिश कोई बनाते हो, तो बहुत अच्छी उसकी जो है खुशबू आ जाती है उसमें। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर चलाते हुए हो गए, अभी मैं अभी इसको जो है किसी प्लेट या किसी बाउल में जो है निकाल दूँगी अब। और अभी आप देख रहे होंगे मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना गुड़ ना चीनी, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा जो है घी ले लिया है। और उसमें मैं डालूंगी अब सूजी। तो सूजी यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। और अभी हम इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे, जो हमने घी डाला है उसमें। थोड़ी देर के लिए हमें इसको जो है सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है इस घी में। बस अभी धीरे धीरे हम इसको चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से इसको भी हम मीडियम फ्लेम में ही भूनेंगे। और देखिए यहाँ पे थोड़ी ही देर इसको भूनते हुए हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी जितनी हमने ये सूजी ली थी उससे डबल हमें लेना है दूध। तो जैसे यहाँ पे मैंने 1 कटोरी वो ली थी, सूजी ली थी, तो मतलब 2 कटोरी जो है हमें यहाँ पे दूध लेना है। तो यहाँ मैंने पहले ही मेज़रमेंट करके जो है रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने देखिए दूध डाल दिया है और थोड़ा सा दूध मैं और डालूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको 1 कटोरी अगर सूजी है तो हमें 2 कटोरी दूध इसमें डालना है। तो अभी डाल दिया है और अभी हम इसको जो है बिल्कुल धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और तब तक हम इसे चलाएंगे जब तक ये जो है बिल्कुल गाढ़ा सा इसका जो है डो ना बन जाए, तब तक हमें इसे तब तक जो है इसे हमें चलाते रहना है। और ये बिल्कुल हमने जो है मीडियम फ्लेम में ही सारा कुछ काम किया है। अगर हम फुल फ्लेम रखेंगे तो जो सूजी है वो जो है कढ़ाई में चिपकने लग जाएगी। तो यहाँ बस मीडियम फ्लेम में जो है मैं इसको
चलाती रहूँगी। और देखिए लग सूजी जो है अभी हमारी गाढ़ी होने लग गई है, लेकिन हमें जैसा हम आटे का डो हम बना लेते हैं उस तरह का डो हमें इसका जो है बनने देना है। आप देखिए बिल्कुल जो है आपके देखते देखते ही यहाँ पे जो है वो बिल्कुल थिक हो जाएगी सूजी और एक डो सा इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बनने लग गया है और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दूंगी ताकि ये जो सूजी है ये बिल्कुल अच्छे से जो है कढ़ाई से छूट जाए और बिल्कुल अच्छे से जो है ये बिल्कुल निकल जाए मतलब कढ़ाई से। तो यहाँ देखिए बिल्कुल हल्का सा घी मैंने इसमें ऐड किया है और अभी हमें इसको चलाते रहना है और बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हमें इसको चलाना है और फिर हमें इसे किसी खुले से बर्तन में निकाल देना है। तो अभी ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब छूटने लग गया है, तो यानी कि ये जो है अभी बिल्कुल रेडी है सूजी। और अभी मैं इसको निकाल दूंगी किसी प्लेट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हल्का सा जो है नमक भी इस सूजी में ऐड किया है, बिल्कुल हल्का सा नमक। और अभी जो है ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया है इसको। अभी थोड़ी देर इसको जो है मैं ठंडा होने दूँगी और यहाँ पे जो नारियल और जो बादाम हमने फ्राई किए थे उसमें मैंने डाल दिया है ये शुगर पाउडर। तो यहाँ पे शुगर पाउडर मैंने डाल दिया है और अभी हम इसको भी जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी जो है शुगर पाउडर लिया था, वो मैंने जो है मैक्सिमम सारा ही इसमें ऐड कर दिया था ताकि जो अच्छे से मतलब इसमें जो है मीठा हो जाए। तो अभी जो है मैं हाथों से ही ये मिक्स कर रही हूँ, स्पून से जो है ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा था तो इसलिए जो है मैंने इसको हाथों से ही मिक्स कर दिया। तो पहले मैंने थोड़ा सा डाला था और फिर उसके बाद थोड़ा सा और जो बचा था वो भी मैंने डाल दिया है और कर देंगे हम इसको भी अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो सूजी मैंने प्लेट में निकाली थी उसको भी हमें क्या करना है, अभी ऐसे धीरे धीरे हाथों से जो है अच्छी तरह से मसल लेना है, मतलब बिल्कुल अच्छे से इसको जैसे आटे को हम करते हैं उसी तरह से इसको भी मसल लेना है। और अभी मैं बना रही हूँ ये देखिए मोदक। तो यहाँ पे मेरे पास मोदक बनाने के लिए सांचा नहीं था तो यहाँ पे भी मैंने हाथों से ही मोदक बनाए हैं। और बस ऐसे आप जैसे आप थोड़ा सा ये ले लीजिए लोई ले लीजिए और इस तरह से उसका बना लीजिए और इसमें ये कर दीजिए फिल जो हमने बनाया है बैटर, इसको हम इसमें फिल कर देंगे और मोदक वाली शेप दे देंगे। बहुत ही आसानी से जो है मोदक बन गए थे और शेप भी बहुत अच्छी आ गई थी। तो और बाहर से जो है इसको मतलब इसकी जो डिज़ाइनिंग करने के लिए एक मैंने जो है पहले फोक से डिज़ाइन किया था और जो दूसरा है वो मैंने स्पून से डिज़ाइन कर लिया था। आप देखिए दोनों तरीके मैंने जो है यहाँ पे दिखाए थे जो किस तरीके से दोनों तरीके से जो मैंने डिज़ाइन किया था। यहाँ पे ये पहले बन गया और फिर इसको जो है मैंने पहले फोक से डिज़ाइन किया, फिर फोक से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो इसलिए फिर मैंने जो है स्पून की जो इसकी जो पिछला हिस्सा होता है उससे फिर मैंने डिज़ाइन किया। वो मैं आपको दूसरे मोदक में दिखाती हूँ, पहले मैंने ये वाला आपको दिखा दिया फोक वाला। तो ये देखिए कितना अच्छा मोदक लग रहा है, बहुत ही अच्छा जो है पूरी शेप में मोदक बन गए हैं। तो अभी एक मोदक तो बन गया, दूसरा मैं दिखाती हूँ जो स्पून वाला मैंने बनाया था। तो यहाँ पे दूसरा मोदक भी इसी तरह से लोई लेके मैंने यहाँ पे बना लिया है और इसमें डिज़ाइन करने के लिए जो है इसके देखिए इस तरह से जो है इसमें ऐसे ऐसे निशान बना दिए हैं और बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन हो गया है। और बस इसी तरह से जो है अब मैं सारे मोदक बना लूँगी और फिर उसके बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है बस। और यहाँ देखिए सारे मोदक जो हैं अभी बन गए हैं और अभी हम रखेंगे इनको स्टीम करने के लिए। तो ये आप जैसे मर्ज़ी रख सकते हो, माइक्रोवेव में रख सकते हो या कढ़ाई में रख सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने कढ़ाई में ही रखे थे, माइक्रोवेव में नहीं रखे थे। इस तरीके का मैंने देखिए स्टैंड सा ले लिया था इडली वाला और उसी में ही जो है उसको ग्रीस करके अच्छे से उसके ऊपर मोदक रख के इस तरह का ढक्कन दे दिया था, ऊपर से भाप निकलने वाला। ये देखिए इसका जो हैंडल है निकल गया है, इस तरीके से जो है भाप इससे निकल जाएगी और बहुत ही अच्छे से देखिए मोदक निकल गए थे। एक बार के मैंने निकाल लिए थे और ये दूसरी बार के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जो है मोदक हमारे बन के रेडी हैं और बहुत ही अच्छे और डिलीशियस मोदक
जो है आप बना सकते हो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बहुत ही आसानी से जो है ये बन जाते हैं मोदक, और घर पे पड़ी चीजों से ही हम जो है जल्दी से गणपति जी के लिए मोदक बना सकते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाए हैं तो जरूर बनाइए और गणपति जी को भोग लगाइए। और अभी जो है कर देते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।